बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबे कदर हजार महीनों से बेहतर है, इसका मतलब क्या है? जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमने इस कुरान को शबे कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम है कि शबे कदर क्या है? शबे कदर हजार महीनों से बेहतर है, इसमें रूह अल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए सुबह तक अमान और सलामती है। शबे कदर हजार महीनों से बेहतर है, इसका मतलब ये है कि कोई शख्स हजार महीने तक अमाले सालेहा में मशगूल रहे जिनमें शबे कदर ना हो, और कोई शख्स शबे कदर में इबादत में मशगूल रहे तो इसका ये अमल हजार माह अमाल सालेहा में लगे रहने वाले शख्स से अफजल होगा। इस उम्मत की उम्र कम और सवाब ज्यादा। हज़रत इब्ने इब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बनी इसराइल में से एक शख्स का जिक्र किया गया है जो फिस सबीलिल्लाह हजार माह तक अपने कंधे पर जहाद के लिए हथियार उठाए रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदगार, आपने मेरी उम्मत को दूसरी उम्मतों के मुकाबले में उम्रें कम दी हैं और उम्रें कम होने की वजह से इनके अमाल भी कम हैं, इनके लिए भी ज़्यादा सवाब की कोई सबील होनी चाहिए। इस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शबे कदर नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया कि शबे कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके।